सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं अनुज स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फनलैंड बाय अनुज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्या रहने वाला है, आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में आज आपको जानने को मिलेगा नए EWS एंड OBC सर्टिफिकेट वालों के लिए कौन सी बड़ी खबर है, क्या उनका EWS एंड OBC सर्टिफिकेट स्वीकार करके अपनी खुद की कैटेगरी के अंदर उन्हें फाइट करने दिया जाएगा या फिर उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। इन सभी चीजों के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, लाइक शेयर कर देना है, साथ में ही अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि रियल और ऑथेंटिक खबरें अक्सर इस चैनल से निकला करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, कोरोना महामारी की वजह से कुछ बच्चों ने अपना अपडेट नहीं करवाया EWS एंड OBC सर्टिफिकेट, कुछ ने वैसे भी नहीं करवाया, उनको ध्यान ही नहीं था कि EWS सर्टिफिकेट आपका कब का माना गया है। और अब जब आपका फाइनल फिजिकल का टाइम आया तब उन बच्चों को पता लगा कि भाई हमारा जो है ना नोटिफिकेशन में क्रूशियल डेट से पहले का मांगा हुआ था और हमारा क्रूशियल डेट के बाद का है। अब आपने क्या किया कि चलो फिजिकल तो देने जाते हैं, गेट से तो कोई किसी को भगा नहीं रहा, तो आप सभी ने वहां फिजिकल देने गए। अब फिजिकल देने के बाद क्या हुआ, आपका हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय दिल्ली पुलिस, ठीक है। जब दिल्ली पुलिस की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया तो वहां पर आपका क्या किया गया भाई, वहां पर आपका यह किया गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लिया गया, आपके डॉक्यूमेंट्स को रख लिया गया, ठीक है। अब वहां पर दूसरी चीज क्या हुई, SSC ने भी आपकी वहां पर डेट्स को नोट कर लिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जब आपने कुछ बच्चों को जिनके अभी लास्ट के दिनों में, उनको वापस भी 10 दिन का समय दिया गया कि भाई आपके पास 10 दिन का समय है, 5 दिन का समय है, आप एक काम करो कि आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है इसके अंदर आपका, अगर आपके पास नया है तो आप पुराना लेके आ जाओ और हम आपका अपडेट कर देंगे। लेकिन उनमें से कुछ बच्चों को ये टाइम दिया गया, कुछ बच्चों के ऊपर प्रोविजनली लिख दिया गया और कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया। तो हमारी तरफ से हम यही मान रहे थे, क्योंकि इसका जवाब ना RTI में दिया गया था जब हमने फर्स्ट टाइम लगाई थी, ना ही इसका जवाब दिल्ली पुलिस वालों ने दिया था, तो हमारी तरफ से यही था कि भाई उन्होंने आपका स्वीकार कर लिया है। अब के बाद हमने जब इस टाइम पर सोचा कि यार कुछ आगे फर्दर इसके अंदर कुछ और आ गया, इसमें जानकारी जुटाई जाए कि आपके साथ क्या किया जाएगा, आपका स्वीकार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और इसी के लिए हमने फिर से वही किया जो हम ऑलवेज करते हैं, हमने SSC नॉर्थ रीजन जो आपका लोधी रोड के ऊपर है उसके ऊपर आपके हमने लगा दिया फोन। अब वहां पर हमने तकरीबन 25-30 बार हमने ट्राई किया फोन को, किसी ने पिक नहीं किया, और लास्ट टाइम में हमने सोचा एक दो बार और ट्राई कर लेते हैं अगर हो जाता है तो, वरना फिर कुछ और देखेंगे, और लास्ट में 30-31वीं बार में उन्होंने फोन को पिक किया। और जब उन्होंने फोन ने पिक किया तो उन्होंने जो चीज बताई है, जो बात बताई है, वो आप पहले खुद सुनिएगा, फिर उनकी बात के बाद मैंने एक बार दोबारा से कॉल किया क्योंकि मुझे एक बात समझ में नहीं आई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या बात थी, और दोबारा कॉल वाले की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने जल्दी ही फोन रख दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए आप पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उसके बाद मेरी दोबारा क्या बात हुई वो मैं आपको समझाऊंगा। सो आप पहले रिकॉर्डिंग यहां पर मैं प्ले कर रहा हूं, उसको सुनिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार जी। हां जी सर, एक ये पता करना था, जैसे जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का अभी एग्जाम हुआ था, तो सर इसके बाद जैसे हमने EWS दिया था हमारा, और OBC जैसे जो नए थे क्रूशियल डेट के बाद, जैसे कोरोना की वजह से बनवा नहीं पाए थे, तो हमें सर हमारी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा या फिर अनरिजर्व में कैलकुलेट किया जाएगा हमें? जो DB होगा जब बता देना, तो अगर वो क्रूशियल डेट का नहीं एडमिट तो वो अनरिजर्व किया। सर जैसे कि अभी वो फिजिकल तो हो चुका, उस समय तो उन्होंने वहाँ पे ले लिया था हमारा EWS भी और OBC भी, ठीक है, लेकिन अब डॉक्यूमेंटेशन में बोलना पड़ेगा आपको। अच्छा, लास्ट में जब दोबारा वो होगा वो वाला सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसमें फिर बताना पड़ेगा, फिर वो ले सकते भी हमें कैटेगरी में या जर्नल में कर सकते हैं? कैटेगरी में नहीं ले सकते हैं आपको। अच्छा, तो वो हमें अनरिजर्व में कैलकुलेट करेंगे फिर अब वो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर जैसे कोरोना में बन ही नहीं रहा था तो ऐसा कुछ भी होगा क्या, कुछ ऐसा जैसे? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन पे जो आपको बताएंगे, है ना। ठीक है सर। वैसे सर मतलब आपकी तरफ से यही है मतलब कि नहीं रखेंगे ना, वो अनरिजर्व करेंगे? अनरिजर्व करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों यहां पर आपने पहली रिकॉर्डिंग सुनी, इसके अंदर कहा गया कि भाई जिनका भी डॉक्यूमेंट है उन्हें अनरिजर्व के अंदर डाला जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने उनसे एक बात और भी पूछी कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो फिजिकल के टाइम पे हो चुका, तो उन्होंने बोला नहीं 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 फाइनल डीवी। तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये डीवी है क्या, ये मतलब किस तरह का डीवी है कि एक डीवी तो हो चुका, दूसरा डीवी क्या है। ये बात चीज मैंने कंफर्म करने के लिए उनके पास दोबारा कॉल किया। अब दोबारा जो कॉल किया तो हम पहले ही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे 30-35 बार कॉल करके, इस बार भी 20-25 बार कॉल की, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट नंबर से, हमारे पास 5-6 नंबर है उनसे कॉल की अलग अलग से, उसके बाद एक बार उन्होंने दोबारा से फोन पिक किया। तो हमने उनसे सिर्फ सीधे एक बात पूछी, सर अभी आपसे बात हुई थी आपने बोला कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बाहर किया जाएगा, तो सर ये कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो समझाने की बात यह है आपको कि जो क्रूशियल डेट के बाद का होता है उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें आपके अनरिजर्व के अंदर ही डाला जाता है उनके साथ। मैंने कहा सर कोरोना महामारी की वजह से, बोले वो वाला फैक्टर आपका नहीं माना जाता, उन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाली थी उसी समय आपको अपडेट करवा लेना था या अपना आपके पास अपडेट करवाने के बाद रख लेना था, ठीक है ना। अब मैंने पूछा सर ये दूसरा डीवी क्या है, तो उन्होंने बोले दूसरा डीवी होता है हमारी तरफ से आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, आपने जो हमें फोटोकॉपी दी है हम उन सबको वेरीफाई करते हैं कि भाई ये सेम कैटेगरी है, किसी ने फर्जी फोटोकॉपी तो नहीं लगा दी, किसी ने किसी और के ऊपर फोटो बदलवा के तो नहीं लगा दी, इसीलिए हम उन चीज को क्रॉस वेरीफाई करते हैं आपके कंसर्न ऑफिस से, उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो तीसरा सवाल हमारा था क्या सर ये 100% कंफर्म है कि आपको अनरिजर्व के अंदर डाला जाएगा, तो उनका जवाब था कि भाई देखो मोस्टली तो यही होता है, जो उनका जवाब था मैं वही आपको बता रहा हूं, मोस्टली तो यही होता है कि आपको अनरिजर्व के अंदर ही डाला जाता है। लेकिन जब मैंने बार बार उन्हें कहा कि सर महामारी की वजह से ऑफिस बंद थे, तो उन्होंने कहा इसका फैसला जो आपके पास लास्ट के कुछ परसेंट चांस हैं कि आपको आपकी कैटेगरी के अंदर रखा जाए, बाकी ये चांसेस हैं कि आपको अनरिजर्व के अंदर ही फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने जब हमने बार बार कहा तो सिर्फ उनसे बातों से एक क्लियर हुआ, मोस्टली चांसेस वो ये बता रहे हैं कि अनरिजर्व के अंदर डाला जाए, कुछ परसेंट चांस वो ये बता रहे हैं आपको कि भाई आपको क्या है कि आपकी कैटेगरी के अंदर के लिए भी रखा जाए, अगर वो इस चीज के ऊपर बात करते हैं तो, कि हमारी EWS किसकी वजह से नहीं बन पाए, कोरोना की वजह से, ठीक है ना। तो यहां पर अगर उनकी बात मानते हैं SSC की तो एक बहुत बड़े झटका लगने वाली बात है, क्योंकि अभी एक बात क्लियर हुई है, अभी तक तो कोई क्लियर कर ही नहीं रहा था। जो वहां पर फिजिकल ग्राउंड पर जो लोग खड़े थे पुलिस वाले, वो भी ये कह रहे थे कि चल जाएगा, बट SSC से बात करने पर हमें पता लगा है कि अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, शायद उसमें आप सभी लोगों को अनरिजर्व के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी दुखद और एक बहुत बड़ी झटका लगने वाली खबर है उन सभी OBC एंड EWS सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपको भी लगता है कि आप भी एक बार बात करना चाहते हैं SSC के पास, तो आपको क्या करना है, मेरी कल वाली एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो 31 तारीख को आएगा, वहां पर मैंने एक स्क्रीन शेयर की है उस वीडियो के अंदर, ठीक है, कल की ही वीडियो में ऑफिशियल, उसकी भी टाइटल है ऑफिशियल रिप्लाई आ गया है थंबनेल पर, आप देखोगे SSC से, तो आप वहां पर जब देखोगे तो उसके अंदर SSC का नंबर है, उस नंबर को आप ले लेना वीडियो में से और उस पर कॉल करना और आप सेल्फ भी कंफर्म करना, कंफर्म करके आपको पता लग जाएगा कि हाँ जो अनुज सर ने बात की है वो सही है, और इसके बाद अलावा आपके और भी क्वेरी हैं वो भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। बट हाँ फोन आपका, आप 20-25 बार कॉल उठाओगे तो आपका एक बार फोन वो उठा लेंगे और आपसे बात भी जल्दी करेंगे, तो अपने पॉइंट को तैयार रखना कि भाई मुझे ये सवाल पूछने हैं। हमने भी अपने पॉइंट्स को नोटबुक में नोट कर रखा था ताकि हम फटाफट हड़बड़ाहट में भूले ना, बस हम बोलते जाएं और वो जवाब देते जाएं, लास्ट में तो इतना हो जाता है बिना कुछ जवाब दिए फोन रख देते हैं आपका, ठीक है ना। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही था, होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, शायद आपको इन्फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक लेके आए हम। सो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए, रियल ऑथेंटिक न्यूज के लिए। थैंक यू सो मच।